साथियों, बारिशों का सीज़न आ चुका है और डॉग्स की स्किन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होने जा रही है। और जैसा कि आप इस लैब्राडोर में देख सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा पायोडर्मा की कंडीशन डेवलप हो चुकी है। और इसी से रिलेटेड आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर डॉग को फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो हमारे पास में क्या क्या बेस्ट रेमेडीज़ रहती हैं और उससे हम कैसे हमारे डॉग का इलाज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपको कंटिन्यूसली हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप से कंडीशन दिखे डॉग की, सबसे पहले आप अपने डॉग की स्किन को चेक करिए, कहीं पर उसमें घाव तो नहीं है या फिर उसमें रैशेस तो नहीं पड़ रहे हैं, उसमें हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है। ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स होते हैं स्किन प्रॉब्लम के डॉग्स में। यदि आप ऐसा देख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने वेटनेरियन के पास में उसे ले जाएँ, उसका प्रॉपर चेकअप करवाएँ। मेरी ये सलाह रहेगी कि सबसे पहले आप उसके हेयर्स को ट्रिम कर दें। हेयर्स को ट्रिम करने का फ़ायदा क्या है, स्किन में दो चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। एक तो उसके स्किन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे थे। दूसरा, उसमें टिक्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को रूल आउट करने के बाद में हम उसके ट्रीटमेंट पर जाते हैं। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कोई भी अच्छा एंटी फंगल शैम्पू यूज़ लीजिए। अभी जो बारिशों का जो सीज़न है, मानसून सीज़न है, अगर आप उसमें एक अच्छा एंटी फंगल शैम्पू यूज़ लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा एंटी फंगल शैम्पू मैं दो शैम्पू हमारे क्लिनिक में भी कंटिन्यूसली यूज़ लेता हूँ। एक है कोनासेप और ये इंटास का शैम्पू है, बहुत अच्छा शैम्पू है। किटोकोनाजोल मिल जाएगा आपको, क्लोरहेक्सिडिन मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा शैम्पू है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दूसरी ओर दोस्तों, सेम कॉम्पोजिशन का आपको मिलेगा सावावेट का कैजोपेट। ये दो बहुत ही अच्छे शैम्पू हैं, इसको आप यूज़ लीजिए डॉग में। और गर्मियों में, बारिशों के सीज़न में आपको 5 से 7 दिन के गैप में डॉग को एक बार बाथ देनी है। बाथ देने का रूल ये है दोस्तों, उसको बाथ देने के बाद में अच्छे से सुखा देना है। यदि आप नहीं सुखाएंगे तो स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर रह जाएगा तो स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। दूसरी बात दोस्तों, आप उसमें कोई भी अच्छा स्प्रे यूज़ लीजिए, एंटी फंगल स्प्रे। जैसा कि इस डॉग में जो घाव दिख रहे थे उसको बिना एंटी फंगल स्प्रे के आप ठीक नहीं कर सकते। उसमें दो अच्छे एंटी फंगल स्प्रे मैं बताऊं तो डर्मीक्लोर आता है, ये वेटोक्विनोल का है। इसी टाइप से आप देख सकते हैं वेटाक्लोर एम आता है। इन दोनों में आपको माइकोनाजोल और क्लोरहेक्सिडिन मिल जाएगा, दोनों में सेम कॉम्पोजिशन है। इसकी रेट की बात करूँ तो वाजिब रेट में मिल जाएंगे, 200 रुपये MRP इसकी है और लगभग 250 रुपये इसकी MRP आपको मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, पहला स्टेप अच्छे एंटी फंगल शैम्पू से नहलाइए, प्लस जहाँ जहाँ पर भी घाव हैं, जहाँ जहाँ पर भी पैचेज हैं, उसमें आप एंटी फंगल स्प्रे का यूज़ लीजिए दिन में दो बार आपको यूज़ लेना है, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों आती है एंटीबायोटिक्स। तो अब डॉग को एंटीबायोटिक्स, स्किन के लिए जो एंटीबायोटिक यूज़ लेते हैं हम, उसमें मैं आपको सबसे अच्छी एंटीबायोटिक बताता हूँ और वो है लिक्सिन। और ये सिफिलेक्सिन जो है वो टैबलेट होती है, एंटीबायोटिक होती है, ये स्किन में इन्फेक्शन बहुत अच्छा काम करती है। ये हमारे पास है 600 मिलीग्राम की, ये हैवी वेट डॉग्स को दी जाती है, 40 किलो या उससे ऊपर के डॉग को। और इसमें आप खुद देखेंगे कि 7 टैबलेट्स की प्रिपरेशन ही आती है, तो 7 डेज़ की प्रिपरेशन आती है। तो कहने का मतलब ये है कि डॉग को रोज़ की एक टैबलेट देनी होती है ये, और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है तो, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार दी जा सकती है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन 300 mg में भी आती है, तो 20 से 30 किलो के डॉग को या 20 किलो से अंदर का डॉग है तो उसको आप 300 mg वाली टैबलेट ले सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक स्किन में बहुत अच्छा काम करती है, इसको आप यूज़ लीजिए। 7 डेज़ की प्रिपरेशन है, अगर इन्फेक्शन कम हो गया है और थोड़ा बहुत फिर भी बचा है तो आप अगले 7 डेज़ के लिए इसको और जो है बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक अच्छी आती है वो आती है सेफोडॉक्सिम, और ये सेफोडॉक्सिम 200 mg की या 400 mg की मिल जाएगी, ये भी स्किन इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है, तो आप एंटीबायोटिक में ये यूज़ ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जो 3 चीज़ें बताई हैं, ये तो है एलोपैथी की ट्रीटमेंट। एक मैं आपको होम रेमेडी बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। आप नीम की जो पत्तियाँ होती हैं, नीम की पत्तियाँ लाइए, पेड़ से तोड़ करके लाइए, उनको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, गर्म पानी करके गुनगुने पानी में उनको, नीम की पत्तियों को 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक उबाल लीजिए उस पानी में,
और उसके बाद में उसको अगर आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करके उसका पेस्ट बना सकते हैं और पूरी डॉग के जहाँ जहाँ पर भी घाव हैं और पूरी बॉडी है उस पर रब कर सकते हैं। तो ये जो नीम की जो पत्तियों का जो होम रेमेडी होती है वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है डॉग्स में। साथियों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।